हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है प्रियंका। आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टॉक आइडिया हिंदी में। दोस्तों, स्टॉक आइडिया हिंदी में जितने भी स्टॉक से या शेयर मार्केट से रिलेटेड, आईपीओ से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है, टाइम टू टाइम आपको अपडेट की जाती है। दोस्तों, सारी चीज़ों को कवर किया जाता है। इसी में दोस्तों, निफ्टी 50 का प्रेडिक्शन है कल के लिए। ये मेरा खुद का एनालिसिस है। दोस्तों, आपका भी कुछ अलग एनालिसिस हो सकता है या मैच करता है, तो आप नीचे कमेंट करके मुझे कमेंट करके बता भी सकते हैं। दोस्तों, आगे जानते हैं कि निफ्टी 50 कल कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, आज का कैसा मार्केट रहा है, ऑप्शन चैन का डेटा, ये सब इसमें हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो बने रहिए लास्ट तक वीडियो को। अभी भी दोस्तों, आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिए। लाइक और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाइए, चाहे आपको सारी वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं चार्ट आपके सामने निफ्टी 50 का। दोस्तों, आज का मार्केट का देख लेते हैं कि निफ्टी 50 का क्या मोमेंट रहा दिन भर में। निफ्टी की मोमेंट की बात करें दोस्तों, तो जो है आज जो है लाइफ टाइम के हाई को ब्रेक किया है। निफ्टी में लाइफ टाइम का हाई ब्रेक किया है 18,604 के लेवल को, आज जो इसने ब्रेक कर दिया। और दोस्तों, इसी के साथ अगर बात करूं क्लोजिंग की, तो आज क्लोजिंग हुई है 18,562.75 पे, आज इसकी क्लोजिंग रही। क्लोजिंग भी जो है काफ़ी हाई लेवल पर हुई है। दोस्तों, आज का मार्केट जो है सुबह जब ओपन हुआ, ओपन होते ही मार्केट ने अपने थोड़ा सा जो है मार्केट में नेगेटिविटी देखने को मिली थी, उसके बाद मार्केट जैसे दोस्तों आज का मार्केट जो है फ्लैट टू नेगेटिव ओपन हुआ था। उसके बाद थोड़ा सा टाइम जो है डीप लिया, उसके बाद जो है मार्केट में थोड़े देर बाद थोड़ी सी तुरंत के बाद बाइंग देखने के लिए, जैसा कि आपके सामने चार्ट पे ये रहा, ये बाइंग का है, यहाँ से बाइंग थोड़ी सी रही, फिर उसके बाद मार्केट ने थोड़ा हॉल्ट लिया, उसके बाद वापस से इसमें आपको गिरावट देखने को मिली। लेकिन मार्केट जो है टोटली जो है दोस्तों आज लाइफ टाइम हाई को अपने ब्रेक किया। ठीक है, और उस इसी के साथ अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं दोस्तों, बैंक निफ्टी जो है बैंक निफ्टी में कुछ खास मोमेंट नहीं रहा। आज जो है 1% का ज़्यादा से ज़्यादा का मोमेंट बिल्कुल भी बैंक निफ्टी नहीं दिया। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है, सबसे इंपॉर्टेंट है, 43,000 के लेवल को बैंक निफ्टी ने अपने मेंटेन किया है। निफ्टी बैंक निफ्टी ओपन होते थोड़ा सा पॉजिटिव रहा, उसके बाद गिरावट रही, उसके बाद मार्केट पूरा साइडवेज हो गया। बैंक निफ्टी साइडवेज रहा। बैंक निफ्टी साइडवेज होने के बाद 43,000 के लेवल को मेंटेन किया, ये जो है इसकी सबसे बड़ी खासियत रही आज के बैंक निफ्टी के। अगर मैं निफ्टी के वापस से चलूं दोस्तों, निफ्टी में जैसे मैंने बताई दिया आपको कि कैसा मार्केट रहा, जो है बहुत ज़्यादा बुलिश रहा, जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली है। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं ऑप्शन चैन का डेटा हमें क्या बताता है, ऑप्शन चैन के डेटा में कैसे जो है कॉल और पुट की राइटिंग हुई है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करूं कि निफ्टी के जो हमने चार्ट देते हैं, निफ्टी के चार्ट से अगर बात करूं तो सपोर्ट लेवल क्या रहा 18,400 का निफ्टी में चार्ट से, अभी का जो है हमारा सपोर्ट का लेवल रहा। अब हम जो है ऑप्शन चैन के डेटा देखते हैं। ऑप्शन चैन के डेटा में आपको ये तो पता ही होगा, जोरदार पुट की राइटिंग हुई है। लेकिन आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, जब मैं वीडियो बनाती हूँ हमेशा बताती हूँ दोस्तों, कॉल और पुट का मतलब क्या होता है। कॉल का मतलब होता है रेजिस्टेंस और पुट का मतलब होता है सपोर्ट। यहाँ पे आज जोरदार दोस्तों पुट की राइटिंग हुई है। कॉल की कंपेयर में पुट की राइटिंग बहुत ज़्यादा हुई है। अगर मैं यहाँ पे 18,600 की बात करूँ, 18,600 की लेवल की दोस्तों बात करने जाऊँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखने को मिल रहा है 18,600 के लेवल पर देखें तो जो है 18,600 के लेवल देखें तो 22,275 लॉस की राइटिंग हुई है। अगर हम क्यूमुलेटिव की बात करें, 1,18,803 की जो है यहाँ पे क्यूमुलेटिव देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ अगर मैं बात करूँ 18,650 की दोस्तों, तो 28,635 लॉट्स की राइटिंग हुई है। 60,085 की जो है यहाँ पे क्यूमुलेटिव रहा है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेवल की अगर बात करूँ 18,800 पे कितने कॉल की राइटिंग है दोस्तों, 42,599 की, 1,26,432 की क्यूमुलेटिव रहा है, जो कि दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉल की राइटिंग हुई, पुट की राइटिंग हुई है, कॉल की थोड़ी कम हुई है। मैंने पहले ही आपको तो बता दिया है कॉल्स की राइटिंग है। अगर इसी के साथ अगर मैं बात करूँ कि दोस्तों अगर क्यूमुलेटिव की बात करूँ, अगर सबसे ज़ोरदार कहीं पे हुआ है 18,500 के लेवल को आप गौर से देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे 18,500 का लेवल दोस्तों 18,500 की लेवल की बात करूं, अभी भी यहां पे जो है लेवल पे अभी भी क्यूमुलेटिव बहुत ज़्यादा है दोस्तों। 18,500 के लेवल पे 95,700
160 के क्यूमुलेटिव यहाँ पे अभी भी देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा क्यूमुलेटिव है दोस्तों। अगर निफ्टी की बात करूँ, निफ्टी अगर 18,500 के नीचे गया तो बहुत अच्छा रेजिस्टेंस होगा दोस्तों, 18,500 का बहुत अच्छा रेजिस्टेंस होगा। ये इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करूँगा, 18,600 इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस होने वाला है निफ्टी में। अब दोस्तों देख लेते हैं पुट, पुट मतलब सपोर्ट होता है दोस्तों। पुट के अगर देखो तो 18,600 के लेवल पे सबसे पहले अगर हम चेक करते हैं 18,600 के लेवल पे क्या आज के दिन का मार्केट रहा है, तो दोस्तों 67,954 का जो है राइटिंग हुई है, और क्यूमुलेटिव है, और 39,469 का जो है दोस्तों पुट की राइटिंग यहाँ पे हुई है। अगर चार्ट की बात करूँ दोस्तों, तो चार्ट के बाद अभी तो इसके और भी देख लेते हैं, 18,700 के लेवल पे अगर देखते हूँ 20,408 का राइटिंग हुई है। अगर 18,800 के लेवल पे देखें दोस्तों, 4,559 की यहाँ पे पुट की राइटिंग हुई है, जो कि पुट की राइटिंग बहुत शानदार तरीके से हुई है। अगर कंपेयर किया जाए कॉल की राइटिंग से, तो पुट की राइटिंग आज बहुत ज़्यादा देखी गई है। आज का पुट का मार्केट ही कह सकते हैं, पुट वालों ने जोरदार दबा के जो है यहाँ पे किया है। बैंक निफ्टी की बात करो दोस्तों, अगर बैंक निफ्टी के चार्ट की बात की जाए, तो बैंक निफ्टी में भी आज जोरदार पुट की राइटिंग हुई है। बैंक निफ्टी में आज जो है बहुत ज़्यादा पुट की राइटिंग बैंक निफ्टी में भी हुई है। अब चलते हैं हम चार्ट पे। अगर मैं चार्ट में देखूँ दोस्तों अपसाइड मोमेंट की बात करूँ, अपसाइड मोमेंट की बात की जाए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 18,650 के लेवल की अगर मैं बात करूँ, 18,650 के लेवल की दोस्तों, इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है, ब्रेकआउट देता है, तब हम कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। अब हम कॉल ऑप्शन बाय करेंगे, 18,600 का बाय करेंगे। अब हमारा टारगेट क्या रहने वाला है, ये टारगेट की बात कर लेते हैं। तो उस टाइम हमारा टारगेट होगा जो है 18,600 का बाय करते हैं, तो 18,700 के बाद 18,750 का हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। 750 के बाद 800 के बाद फाइनल लेवल होगा 18,880 का, हमारा जो है फाइनल लेवल यहां पे होने वाला, जो कि बहुत 18,840 हमारा यहां पे फाइनल लेवल रहेगा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद अगर मैं अब डाउन साइड की बात कर लेते हैं, डाउन साइड की अगर बात की जाए दोस्तों, डाउन साइड का आज कि डाउन साइड में हमारा क्या लेवल होने वाला है, तो डाउन साइड में 18,530 का 30 का सपोर्ट लेवल है, जो कि मिनी सपोर्ट लेवल है दोस्तों। 18,530 का जो सपोर्ट लेवल है दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है डाउन साइड में। अभी दोस्तों आप अगर पूछें कि आपने कॉल और पुट को होल्ड किया तो आपको क्या करना चाहिए, कॉल को अगर आपने होल्ड रखा है दोस्तों, आपका स्टॉप लॉस होगा 18,450 का, आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। इससे ज़्यादा स्टॉप लॉस तो बहुत बड़ा हो जाएगा दोस्तों। अगर पुट लिया है आपने, तो आपका पुट का होगा 18,620 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए दोस्तों। आज वैसे तो पुट का नहीं था, अगर आपने पुट किया है तो आपके लिए पुट का जो है आप स्टॉप स्ट्रिक्टली अपने स्टॉप लॉस को जरूर फॉलो किए। अब डाउन साइड के मोमेंट की हम बात कर रहे थे, 18,530 के लेवल हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर यहाँ से मार्केट निकलता है, ब्रेकडाउन देता है, तो हमारा फर्स्ट लेवल क्या होने वाला है इसकी बात कर लेते हैं। और यहाँ पे हमारा फर्स्ट लेवल होगा 18,500 के बाद 18,550 का, 18,550 के से भी अगर नीचे जाता है तो 18,450 के बाद 18,300 का फाइनल लेवल दोस्तों हमारा, 18,300 का हमारा यहाँ पे फाइनल लेवल रहेगा। ये तो हमारी बात हो गई बैंक निफ्टी की। अब हम बात करें अगर बैंक निफ्टी की, कि बैंक निफ्टी में हमारा क्या लेवल होने वाला है। बैंक निफ्टी में दोस्तों आज का तो मैंने पहले ही बता दिया, आज का अगर मोमेंट की बात की जाए, तो पहले तो मार्केट ओपन हुआ, मार्केट होने के बाद थोड़ा सा हॉल्ट लिया, उसके बाद पूरा दिन मार्केट साइड भेज रहा दोस्तों। साइड भेज रहने के बाद आज की अगर बात की जाए ना, तो मार्केट ने 1% भी जो है पूरा मोमेंट नहीं दिया दोस्तों, कुछ ज़्यादा। लेकिन सबसे अच्छी बात ये रही है मार्केट की, तो 14,000 के लेवल को मेंटेन किया, ये जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर अब इसमें देखें अप साइड मोमेंट की बात करूँ, 43,180 का जो लेवल है, वो 43,180 के लेवल को अगर ब्रेकआउट देता है, तो दोस्तों हम यहां से लॉन्ग हो जाएंगे। लॉन्ग होने में हम कॉल ऑप्शन को क्या करेंगे, बाय करेंगे। कॉल ऑप्शन 43,200 या 43,100 का कॉल ऑप्शन में बाय करूंगी। यहां पे कॉल ऑप्शन का बाय करने के बाद मेरा फर्स्ट लेवल टारगेट जो रहने वाला है
43,250 का फर्स्ट टारगेट रहेगा, 43,400 का सेकंड टारगेट रहेगा, उसके बाद 43,500 हमारा यहाँ पे फाइनल लेवल होने वाला है, ठीक है। इसी के साथ अब मैं डाउन साइड के अगर लेवल की बात करें कि डाउन साइड के लेवल पे क्या होगा, तो 42,870 का जो लेवल है दोस्तों, 42,870 के लेवल की अगर बात करूँ, 42,870 और 42,750, ये दोनों लेवल हमारे पास जो है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होने वाले हैं। यहाँ पे अगर मैं बाय करूँगी तो 42,900 के जो है बाय करूँगी। उसके बाद हमारा टारगेट क्या होने वाला है, इसके बाद टारगेट की बात करूँ दोस्तों, तो टारगेट हो गया होगा 42,800 के बाद 750 के बाद सीधे 42,600 हमारा यहाँ पे फाइनल लेवल होगा। दोस्तों ये रही पूरे मार्केट का एनालिसिस, जो है कल आप कैसे अपना यहाँ पे टारगेट लगा रख सकते हैं दोस्तों, किस हिसाब से एनालिसिस कर सकते हैं। अभी भी दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक और सब्सक्राइब करिए। साथ ही आपके कोई क्वेरीज हो दोस्तों, नीचे जो है कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। साथ में टेलीग्राम लिंक दिया है, वहाँ पर भी जाके आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपको जो है रिप्लाई दिए मिल जाएगा दोस्तों। फटाफट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। साथ ही दोस्तों आप मेरा पर्सनल गाइडेंस सपोर्ट फ्री में चाहते हैं, नीचे एक लिंक दिया है, वहाँ से जाके आप मेरे रेफरल में अकाउंट खोलिए और मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, आपको फ्री में मेरी तरफ से पर्सनल गाइडेंस सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए वीडियो नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।